मानता हूं, लेकिन मैं आपको मजबूत बनाने के लिए पीछे बैसाखी लगाऊंगा। अब इस उलटमासी पर जनता क्या करे। और सीबीआई, मैं तो कहता हूं सीबीआई को छोड़िए, सीबीसीआईडी क्या करती है प्रदेशों में, ये क्या किसी से छुपा है शुक्ला जी? सीबीसीआईडी क्या करती है? केस क्यों सीबीसीआईडी में ट्रांसफर होता है बिजनेस में? उसका कारण होता है, अपना आदमी फंसे सीबीसीआईडी दे दो, आदमी पान खाता हुआ चमनगंज में घूम रहा है, ठाट से चार कत्ल किए चमनगंज में घूम रहा है, मुंह जो बताओ दे रहा है, बोले ठीक है जो पार्टी है उसी का झंडा लगा लिया जी। ये नहीं होता क्या राम आश्रय जी? होता है ना, होता है ना सुधींद्र जी? मैं ये नहीं समझ पाया कि सपा के काल में जो लोग गुंडे रहे, अपराधी रहे, वो बसपा में आते ही निर्भय हो जाते हैं। निर्भय गुजर नहीं बता रहा हूं, निर्भय बता रहा हूं केवल, है ना। और बसपा के कार्यकाल के अपराधी सपा में, भले आदमी सपा के कार्यकाल में जेल चले जाते हैं। ये आखिर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का खेल है ना। अन्यथा जिस आदमी पर मुकदमा है, 5 साल से 6 साल से जांच चल रही है, वो 5 साल जांच स्थगित कैसे हो जाती है? ठीक बात है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं होता फाइल में, सरकार बदलती है तो 15 दिन में आदमी फिर जेल चला जाता है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम, गंगोत्री से गंगा सागर तक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, चौकी से लेके और सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय तक। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और जाहिर तौर पे इसको रोकना चाहिए, ये तो सैद्धांतिक बात हो गई, लेकिन जो रोकने वाले हैं वो खुद रोकने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर रोक लेंगे तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे बचेगी, और बहुत सारी सिस्टमगत जो खामियां हैं वो पैदा हो जाएंगी। ऐसे में आम जनता करे तो करे क्या, क्योंकि जन लोकपाल की लड़ाई लड़ने वाले जब टोपी लगाकर राजनेता बन जाते हैं और जन लोकपाल को एक नई टीम का सहारा लेना पड़ता है बैसाखी का, तब ये लगता है कि इस देश में जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। जो जितना बड़ा बेईमान वो उतनी बड़ी मलाई खाएगा, और जो जितना बड़ा ईमानदार उसकी कोई वक्त नहीं होगी। शायद ये बहुत नकारात्मक थॉट जरूर लग रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पे हकीकत इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द समेट के रह जाती है, और इसीलिए जिन जिन के ऊपर आरोप लगते हैं, जो जो भ्रष्टाचारी हैं, सब मौज करते नजर आते हैं, राजा से लेकर कलमाड़ी तक, और चाहे अपराधियों की सूची गिना लें। दिक्कत इस बात की है कि दरअसल जो करने वाले हैं वो करना चाहते नहीं है। भदौरिया जी बहुत धन्यवाद आपका, कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी आप बने रहेंगे, ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. Aaj li kya? Interestingly. Refreshing mini gums. Aaj li kya? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। व्हाट मैन, ये क्या तो फुटबॉल फुटबॉल खेलते रहता है, क्रिकेट खेल क्रिकेट, इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट, मर्द बन जाएगा तू क्यों अंकल, समझता ही नहीं है। वाह क्या कैच पकड़ता है, विकेट कीपर बन जा मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा हीरा, क्या कमाल का फुटबॉल खेल, बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा, क्रिकेट खेल क्रिकेट, अपना ही गेम है। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है, ट्राई ट्राई Change the game. इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा।
सिर्फ दो महीने का अकेला असहाय भूखा प्यासा न जाने कब लौटेगी इसकी मां, लौटेगी भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, चिंता जतलाएं, हर छोटी से छोटी कोशिश असर दिखाएगी। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर गहमागहमी मची हुई है। सूबे के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब 3 नवंबर को राज्य सरकार ने गैरसैंण जाकर कैबिनेट की बैठक की, जिसके बाद कहा गया कि साहब अब यहां पर विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र चलेगा। लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा, जितनी जुबान उतनी बातें। इसमें कोई शक नहीं कि गैरसैंण में 3 नवंबर को ही कैबिनेट बैठक ने उत्तराखंड के सियासी इतिहास में एक नई इबारत लिखी है। लेकिन गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के मामले पर सियासत अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी की अगर माने तो बगुला सरकार गैरसैंण के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तीन नवम्बर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास थी और इसको खास बनाया गैरसैंण ने। देहरादून से बाहर शायद पहली बार उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। गैरसैंण में बैठक कर कांग्रेस अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा रही है। बहुगुणा सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने की घोषणा की। सरकार की इस घोषणा से राज्य आंदोलनकारी खुश तो हैं, लेकिन उनके जहन में अब भी कई सवाल हैं। क्या बहुगुणा सरकार ने पर्वतीय जनसभाओं को कैश करने का सियासी पासा फेंका है? समय अवधि निर्धारित होते हुए तय हो तो अति सुंदर होगा, और यह हम लोग देखेंगे कि जो घोषणाएं गैरसैंण में गवर्नमेंट ने करी हैं वो समय से पूरी हो, और अगर गवर्नमेंट लेफ्ट और राइट करती है या किसी भी कार से डिले होता है तो हम उसको जगाएंगे, उस पर वॉच रखेंगे, उस पर निगाह रखेंगे। वहीं सरकार में शामिल यूकेडीपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। यूकेडी का कहना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने में वो क्यों हिचक रही है। जन भावनाओं के अनुकूल राजधानी बनाने के लिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। हाँ, वो उन्हीं भावनाओं को के हिसाब से इन्होंने एक उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन आधे अधूरे मन से की है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। वहीं विपक्षी भाजपा का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में अपनी संभावित हार से बचने के लिए बहुगुणा सरकार ने गैरसैंण के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से स्पष्ट अभी तक नहीं किया कि वहां बन क्या रहा है, वहां सचिवालय बनने वाला है, वहां निदेशालय बनने वाला है या वहां विधानसभा बनने वाली है, क्या बनने वाला है। केवल ये कह दिया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी और ग्रीष्मकालीन विधानसभा बनेगी, आखिर क्या बनेगा ये अभी तक स्पष्ट उन्होंने एजेंडा नहीं किया। मतलब साफ है कि बहुगुणा सरकार के गैरसैंण में अस्थायी विधानसभा बनाने की घोषणा का अप्रत्यक्ष तौर पर तो सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने राजनीतिक नफे नुकसान के मद्देनजर सभी दलों ने सियासत भी शुरू कर दी है। यकीनन विजय बहुगुणा सरकार ने शहीद आंदोलनकारियों के सपने साकार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। राज्य कैबिनेट की घोषणा पर अमल होने के बाद गैरसैंण में विधानसभा का एक सत्र आयोजित होगा, लेकिन सरकार की इस पूरी कसरत में सियासत हावी है और भावनाओं की कीमत वसूलने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस सियासी और जज्बाती नुस्खे से 12 साल से लटके राजधानी के मुद्दे का स्थायी हल अभी नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ MM बहुगुणा साहब जुड़ रहे हैं लखनऊ से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ TS मंडराल साहब, आप अध्यक्ष हैं पर्वतीय महापरिषद के लखनऊ से। देहरादून से हमारे साथ प्रकाश सुमन ध्यानी जी हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। और BD रतूड़ी साहब हैं, आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं UKDP की। और इसके अलावा हमारे साथ अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं देहरादून में, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं
आपके पास आऊंगा अधिकल भाई, मुझे बताइए क्या गैरसैंण का जो भी चर्चा हो रही है, जो भी घोषणाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा एक नेता के तौर पे, एक पार्टी के मुखिया के तौर पे, प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे, इसका पॉलिटिकल माइलेज ले पाएंगे क्या? क्योंकि जो पूरी की पूरी चर्चा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। अतुल भाई, आपके सवाल से मुझे एक फिल्म याद आ रही है, रोटी पिक्चर, जिसमें राजेश खन्ना ने एक गाना गाया था कि पब्लिक है ये सब जानती है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता सब नहीं, बहुत कुछ जानती है। अगर मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में जो विधान भवन बनाने की बात कही है, अभी दो ढाई तीन चार पांच साल में बनेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा झुंझुना है। आप याद करिए, जब बीजेपी ने पूरा उत्तराखंड राज्य दे दिया था, छप्पर फाड़ के दे दिया था उत्तराखंड को, और उस समय जिस समय दिया उस समय कोई अपेक्षित दबाव भी नहीं था केंद्र सरकार पे। 94 में जो आंदोलन हुआ था उसके शोले बुझ चुके थे और ना ही जनता सड़कों पर थी। और जब इन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ, उसके बाद जब पहला चुनाव हुआ तो 13 महीने की बीजेपी सरकार को जनता ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। कायदे से तो जब पूरा राज्य दे दिया तो बीजेपी को 10 20 25 साल राज करना चाहिए था। लेकिन उत्तराखंड की जनता ऐसा है कि उसने कहा कि दिल है कि मानता नहीं, पूरा राज्य मिलने के बाद भी नहीं मानेगी जनता। यहां का जनमानस बड़ा जटिल और विचित्र है, वो इस उसमें नहीं आने की कि आपने गैरसैंण में ऐसा कर दिया, ऐसा दे दिया तो हम आपको छप्पर पाड़ के वोट दे देंगे या कुछ दे देंगे। जी मनराल साहब, क्योंकि गैरसैंण की लड़ाई अभी काफी दूर है। मनराल साहब, मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि बार बार गैरसैंण 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 करता तो हर कोई है लेकिन कहता ही रह जाता है जी, कहां दिक्कत है? दिक्कत कहां पर आ रही है? पेच कहां फंसता है? देखिए सर, अगर हमारी आप व्यक्तिगत ओपिनियन अगर लेना चाहेंगे, अगर मैं ये कहूं कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी के लिए बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है, उससे वहां लोगों की भावनाएं आहत जरूर होंगी, लेकिन हमें एक बड़े दृष्टिकोण को लेकर चलना पड़ेगा। वहां पर ओवरऑल वहां आवागमन के क्या साधन है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप होगा और कितना व्यय आएगा गैरसैंण को राजधानी डेवलप करने में, इन सब विषयों को लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड में देख रहा हूं विकास की स्थिति बहुत ही दयनीय है और एक कैपिटल को विकसित करने में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे उत्तराखंड के राजनीतिक पार्टियां और हमारे नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और क्या इसके नफे नुकसान है, इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे गैरसैंण बहुत अच्छी राजधानी के रूप में उपयुक्त स्थान नहीं लगता है। रतूड़ी जी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, गैरसैंण एक अच्छी राजधानी के तौर पे साबित नहीं होगा, आपने तो कह दिया, लोग ये भी कहते हैं, लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि अगर वो उपयुक्त जगह नहीं है तो फिर क्या आप लोगों का शुरू से लेकर अब तक का जो मुद्दा है वो मुद्दा ही गलत था? क्या गलत मुद्दा पर हम जन भावनाओं को भड़का रहे हैं, हवा दे रहे हैं? पहला। दूसरा ये कि सरकारों की तो ये जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास की दरकार है उसको विकसित कीजिए आप और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, तभी तो सरकार का कामकाज दिखाई पड़ता है जी। पहला प्रश्न आपका था कि आपने किस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किया था। हमारा आंदोलन था नहीं, रतूड़ी जी से मेरा सवाल है, रतूड़ी जी से सवाल है। रतूड़ी जी, बीडी रतूड़ी साहब, ये यूकेडी ने जब इसका शुरुआत किया था और आंदोलन चरम सीमा पर भी था, उस समय भी था, 1992 में हम लोगों ने पूरी कोशिश के बाद ये तय किया कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का स्थान हम लोगों ने नियत किया था। और आज की जो 3 तारीख की कैबिनेट बैठक हुई, जिस स्थान पर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति हम लोगों ने लगाई और चंद्रनगर उस गैरसैंण का नाम रखा था हम लोगों ने, और ये सोच के रखा था कि ये जो कल्पना थी हम लोगों की कि जो पर्वतीय प्रदेश बन रहा है या पर्वतीय प्रदेश बनेगा उसकी राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होनी चाहिए, और गैरसैंण का खाली नाम से ही नहीं, गैरसैंण को अगर देखें, उसके महत्व को अगर देखें तो गैरसैंण दोनों गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी के मध्य में स्थित है और पूरे प्रदेश के, उस समय हरिद्वार का क्षेत्र हम लोगों ने शामिल तो नहीं किया था लेकिन जो लड़ाई चल रही थी उस समय 8 जिलों की चल रही थी और वो मध्य स्थल था, उसकी दूरी जो है चाहे देहरादून से, उत्तरकाशी से हो,
चाहे पिथौरागढ़ से हो, वो दूरी समान दूरी थी और केंद्र बिंदु था। और हमारा ये मानना था कि अगर राजधानी घर्षण में बनेगी तो निश्चित तौर से उससे